नमस्कार अपराह्न प्राइम को स्वागत कुछ मिनट में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे एथर दीपावली रे फुटिबो सबुज बाण ग्रीन क्रैकर्स को ग्रीन सिग्नल देले हाईकोर्ट ऑल ओडिशा फायर वर्क्स डीलर्स आसोसिएशन होइथिला आवेदन निर्दिष्ट किछि शर्त अनुसार बिक्री होइ परिबो सबुज बाण खोलिला कैप्टेन को रायपुर गुमर विजय महापात्र विस्फोरक बयान कहले थरे नुहे रायपुर घरे तीन थर हो कंप्रोमाइज सेपटे संतोष सिंह सालुजा बड़ खुलासा 20 सेप्टेम्बर ममिता को रायपुर नहीं गोविंद मंत्री उपस्थित रे कूल होम आपार्टमेंट रे बुझावणा पेन ड्राइव कॉल डिटेल जांच दाबी ममिता मेहर मर्डर घटना माटी खोली मृतदेह पोतिबारे व्यवहृत जेसीबी जबत मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू व्यवहार करथिबा स्कूटी सीज करी थाना को आणिला सिंधेकेला पुलिस एवं पुणि शासक दल को सौम्यों संपादक आक्रमण राज्य नेतृत्व उपरे परोक्षरे हमला वृत्ति पार्टी और माटी शीर्षक लेखे कैप्टेन को सीधा मागिले जवाब आर्टिकल अटैक परे बिजली पावर कॉरिडोर रे हलचल गंजे बोझे गाड़ी धरला बलांगीर फॉरेस्ट टीम पिकअप व्यान रु 5 क्विंटल गंजे जबत जणे गिरफ जबत गंजे रो मूल्य 5 लाख ऊर्ध मनीष मृत्यु चेतिला कमिशनरेट पुलिस भुवनेश्वर बारगुड़ी गाइडलाइन जारी बारगुड़ी करे नियोजित हेबेनी बाउंसर थाना रहिबो कर्मचारी तथ्य बारे कौन अघटन हेले डायल करिबे 112 महंगा पड़ला राति अध्या लुचाई दंता हाथी मृतदेह पोतिबा विभाग पक्षर तदंत करजाई कार्यानुष्ठान ग्रहण पर निर्देश देले आरसीसीएफ 2020 अगस्त गुड़बाजी सुबासी जंगल में दंता हाथीर होता मृत्यु राज्य में ग्रीन क्रैकर बा सबुज बाण को अनुमति एथर दीपावली में सबुज बाण फुटेबा को अनुमति देले हाईकोर्ट ऑल ओडिशा फायर वर्क्स डीलर्स आसोसिएशन पक्षर आवेदन उपरे सुनानी करी राय देले हाईकोर्ट निर्दिष्ट किछि शर्त अनुसार बिक्री होई परिबो सबुज बाण ममिता मर्डर मामलें विजय महापात्र विस्फोरक बयान पुणी रायपुर बुझामणा कथा उठाले विजय रायपुर में थरे कि दुई थर नुहे बर तीन थर बैठक होता जो प्रश्न उठी तार उत्तर कई देना समस्ते नीरव अच्छा मात्र दुई पृष्ठा खोल जाए बहुत पृष्ठा बाकी अच्छी गोविंद साहू बाराकेले मंत्री सहित कथा होती आग को आहरी विस्फोरक तथ्य आसव घटन पुण्यच्छेद पड़े रायपुर में मंत्री अमाप संपत्ति रही से तथ्य आसव ममिता मृत्यु मामलें कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा बड़ खुलासा गृहराष्ट्रमंत्री रायपुर गुमर खोलिले सालुजा गोविंद ममिता मंत्री कॉल डिटेल और जांच दाबी कले संतोष सिंह सालुजा से कहते 20 सेप्टेम्बर गोविंद ममिता को रायपुर नहीं मंत्री दिव्यशंकर मिश्र बस बुझामणा करने को चेस्टा करते कूल होम आपार्टमेंट बुझामणा करने को चेस्टा कर 23 सेप्टेम्बर फेरी कंडाभांजी जाते बुझामणा न हो पारू 7 तारीख में पुणी गोविंद डकई 8 तारीख में अति निर्मम भाव मारे 7 तारीख दिन ममिता अकाउंट में 8000 टंका डिपोजिट कर गोविंद एसबीआई अकाउंट नंबर 3533543398 8000 टंका डिपोजिट होता डेली कॉल रजिस्टर जांच कले तीन जन गोटे स्थान में थिले कि नहीं जना पड़ मात्र पुलिस से दिग को खुलासा करनी रायपुर समय कॉल रजिस्टर सामना को अणा पेन ड्राइव और लैपटॉप मिली तार खुलासा पुलिस करूना ए पेन ड्राइव और लैपटॉप रे अनेक नेता मंत्री सेक्स स्कैंडल रही तेणु पुलिस यह लुचाऊ से अभियोग कर रायपुर रे को लोक मैंने
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁଟା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସିଜ୍ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲିକଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲର ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କର ଲୋକଲୋଚନକେ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତା ମେହେରକୁ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାୟପୁର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମମିତା ମେହେର 23 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁଟା ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ 7 ତାରିଖ 8000 ଟଙ୍କା ବି ପକେଇଥିଲେ। ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକରି କନସିପ୍ରେସି କରିକରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଥର ରାୟପୁର ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁଲାସା ହେବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରୁ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମନୀଷ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରୁ ଚେତିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବାର୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ବାର୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଉନ୍ସର ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବାର୍ ମାଲିକ। ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିରୁ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ବାର୍ ମାଲିକ। ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବାରେ ଗ୍ରାହକ ଅଶାନ୍ତ କିମ୍ବା ଅଘଟଣ ହେଲା 100 ବାର୍କୁ ଡାଏଲ୍ କରିବେ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ରାତି ଅଧ୍ୟା ଲୁଚାଇ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତଦେହ ପୋତିବା। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆର୍ସିସିଏଫ୍। 27/8/2020 ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ସୁବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ 10 ବର୍ଷର ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗୁଳିବାଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ଚାପାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ରାତି ଅଧରେ ହାତୀର ମୃତଦେହ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହାତୀକୁ ମାରିଲା କିଏ? ଯଦି ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ହାତୀ ମଲା, ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ଲୁଚାଇଥିଲେ? ଏହି ଘଟଣାରେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରହିଛି ହାତ? ଏସବୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ବି 2020 ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ହାତୀ ମରିଥିଲା, ସେଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲୁଚେଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଏ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୟାକୁ ଚପେଇ ରଖିବାରେ ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ଚପେଇ ରଖିବାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ହମଲା, ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷରେ ହମଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ସିଧା ହମଲା। ସମ୍ପାଦକୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡିକୁ ସିଧା ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ସୌମ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲେ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମହାଗୁମର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମିନିଷ୍ଟର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସିଧା ସିଧା ଜବାବ, ବୃତ୍ତି ପାର୍ଟି ଓ ମାଟି ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲ। ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପରେ ଆଉ ଏବେ ବିଜେଡି ପାୱାର କରିଡରରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ କରଳିପାଟଠାରେ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଧରିବାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ସହିତ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁରେଶ ପାତ୍ର, ସେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଟୁପାଲି ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଅର୍ଜୁନପୁର ଆଟଗାଁ ପଟରୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଜାଣି ପିଛା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଲୋଇସିଂହାସ୍ଥିତ କଲିପାଲି ନିକଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟାସଦେବ ସାହୁ, ଜେନା ରାଉତ, ବିପ୍ଳବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍କୁ ଲୋଇସିଂହାର କଲିପାଲିଠାରେ ଗାଡ଼ିରୁ 6ଟି ବଣ୍ଡଲେ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ।
प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला भी पेट्रोलिंग कर इन द मेन टाइम आबुडे गोटे गाड़ी पड़ा जेहतु से काठ गाड़ी चेकिंग कर बहुत जोर गाड़ी ड्राइव करके आसामी जी धराई बहुत जोर ड्राइव करगला धरले से कदली पाल बोली गोटे लुईसींगा एरिया लुईसींगा पीस अंडर आसपर ता भर देखे गंजेई जेहतु से आमको इंटिमेट कले जेहतु यहाँ नुह सीज आर्टिकल नुह आम हाण्ड ओवर कले आसामी की गंजे हो गंजे 5 क्विंटल अधिका बोले अनुमान करा बर्तमान सुधा आम मापचुप कर ओडिया भाषा को नहीं झारखंड राज्य आरंभ कर राजनीति को विभिन्न मल घोर विरोध मयूरभंज जिलार पड़ोसी राज्य झारखंड में ओडिया भाषार असमान प्रतिवाद आज मयूरभंज जिला कला साहित्य और संस्कृति अनुष्ठान पक्षर समूह शोभायात्रा आरंभ हो शोभायात्रा बारिपदा अंबिका मंदिर ठारु आरंभ हो जगन्नाथ मंदिर कृष्णचंद्र गोली ट्राफिक छक और विजु पट्टनायक छक पथ दे जिलापा कार्यालय स्थित महाराज श्रीरामचंद्र भंजों प्रतिमूर्ति समापन हो पड़ोसी झारखंड राज्य रे जो बिछरांचल ओडिशा माने ओडिया माने रही भाषागत ये जो दयनीय अवस्था रही बड़ा दुखर कथा अब से संपर्क आम जो झारखंड भाई माने आसते सब कहले ये कथा कहबी जो ओडिशा सरकार कौन करते झारखंड जो माने अच्छा बिछरांचल ओडिया 3% शिक्षार विकास ओडिशा रखिदे आरक्षण व्यवस्था आपंकर बीईडी मेडिकल किंतु से व्यवस्था मध्य उठे दिखाई जोटा कि सर झारखंड तरफ से कहते पुनर्वार ओडिशा सरकार से 3% रिहाती जो रिजर्वेशन व्यवस्था आरक्षण व्यवस्था आउ थे आरंभ कर आम एटी सहयोग करमर विच्छिन्नांचल आम मातृभाषा को बचाई रखापाई से सरकार झारखंड सरकार तरफ ओडिया भाषा को विलुप्त कर चक्रांत चली सिलेबस रु ओडिया भाषा को हटे दि जागरे जो ओडिया बही मिलूला एवं बंद हो बर्तमान आम ओडिया भाषा को सेठे उन्नत करने जमी ये होता आम टेक्सट बुक करूँ प्रथम आ द्वितीय श्रेणीर 1916 मसीह बर्तमान पब्लीश हो छात्र मानक दिहर से आम शिक्षा सचिव थे पटनायक से आमको सहित साय कर एवं तापर तृतीय आउ अष्टम पर्यंत हो पारिना ओडिशा सरकार पाखु जो उत्कल सम्मेलन तरफ जो साहित्य बही मिलूला ताद गत वर्ष ठारू बंद हो तेणु आम को सरकार करम उत्कल सम्मेलन 2020 मसीह साहित्य बही दौना तेणु आम भाषा कमी बचब से भाषा को बचाई एक आम मूल अधिकार प्रतिवाद में बिजेडी विक्षोभ द्वितीय दिन में पहुंची राजधानी समेत अन्य स्थान में दल पक्षर आंदोलन कर रविवार राजभवन सम्मुखें प्रतिवाद करते दलय कर्मी आज राजरास्त प्रतिवाद करते बेलगाम दर वृद्धि फल खाउटी हंतसंत होजेडी अभियोग करजेडी विक्षोभ प्रसंग में प्रतिक्रिया रखी बीजेपी बीजेपी विधायक जयनारायण मिश्र कहते बीजेडी ममिता प्रसंग को एड़ेबाक जा आंदोलन कर एबे केंद्र सरकार विभिन्न 40 टका खंडे विथड्रॉ करने चाहती से राज्य सरकार जो टिकस नौ टिकस से विथड्रॉ कर सस्ता कर दिंतु आमर तो किसी आपत्ति ना देखु से विभिन्न प्रकार डेवलपमेंट काम टिकस तो सरकार ने जदि यटा गोटे आंतर्जातिक विषय आम केवल यटा तो आम आम देशर पेट्रोल अन्य देश उपरे आमे निर्भर करूँ सेटा कौन परिस्थिति रे कौन होची सेटा गोटे व्यापक आलोचनार विषय किंतु उभय केन्द्र और राज्य टैक्स नौचंती ओडिशा राज्य भी टैक्स नौचंती जदि ओडिशा सरकार तांकर एते आंतरिकता अच्छी ताले ओडिशा सरकार तांकर टैक्स प्रत्याहार करदेले तो सस्ता है केंद्र सरकार तो या विरुद्ध आंदोलन करूनी ना कि भारतीय जनता पार्टी या विरुद्ध आंदोलन करूनी आंदोलन करुच्ची राज्य सरकार जदि राज्य सरकार दल आंदोलन करुच्ची से दायित्व है से प्रत्याहर करवा गतकाल राति 10:30 समय जटणी गंगोपड़ा गोरक्षक मैंने गोचालाण कंटेनर गाड़ी को जबत करते जो गाड़ी में अति क्रूरतार सहित 50 रु अधिक मईंसी कटाई चलाण होता बड़ा दुखर विषय जटणी आईएससी गोचालाणकारी मानक छाड़ी अभियोग जो गोरक्षक मैंने का रात गोदस्करी मान विरोध में एफआईआर करने को जाते से गोरक्षक मान का राति अटक रखी पुलिस एथपाई गोरक्षक मान भितर असंतोष देखाई
जगाकु बढ़िया पिपिलीर नड़िया पिपिली बालिगार दासिया बाउरी नड़िया ग्रहण करते महाप्रभु श्रीजगन्नाथ 2015 श्रीमंदिर प्रशासन अनुमोदन क्रमे कार्तिक मासरे स्वतंत्र कोठो भोग पिपिली अंचलरु सहसो नड़िया श्रीमंदिर को पठाउछि। गोवर्धनपुर जगन्नाथ प्रेमी पूर्णचंद्र साहूंक तत्वावधानने गतिश्वर देवों पीठर प्रतिवर्ष कुमार पूर्णमी दिन ए नड़िया पठा जाए चलित बर्ष 800 अधिक नड़िया श्रीमंदिर पठा जाए जहां पिपिली सहित श्रीजगन्नाथ संस्कृतिर संपर्क को दर्शाऊ। श्रीजगन्नाथ को इस सेवा पाई पिपिली अंचल श्रद्धा निजक बहुत भाग्यवान मन कर आम एरिया ये जो नड़िया जा 2015 मसीह आरंभ है आम निकटवर्त तीन टा पंचायत गाँ भारतीपुर पंचायत ओरकोल पंचायत पोपरंगा पंचायत पमसरा पंचायत विभिन्न गाँव आम ग्रामवासी तरफ नड़िया कलेक्शन करूँ। यही नड़ियाटी जेपरी कार्तिक मसरे जगन्नाथ कोठ भोग लगे यह ही आमर एकांत श्री जगन्नाथ चरणार बिंदे अनंत कोटि दंडवत जनावु। श्री गुंडीचा टाइम दासिया बाड़ी जमी जगन्नाथ पाकु ब्राह्मण हाथ में नड़िया पठाई थे जगन्नाथ हाथ बढ़े नहीं जाते सेमती मो कह कथा आम पिपिली आम गतिश्वर गोवर्धनपुर आम नड़ियाटा कहीं जगन्नाथ मंदिर को कितु श्रेष्ठ मास कार्तिक मसरे आम नड़ियाटा आम गोवर्धनपुर आम श्री पुरी जगन्नाथ पीठ पाक आम नड़ियाटा जाऊ। स्वागत। आज राज्य में लागू होब नवेम्बर गाइडलाइन नवेम्बर पर गाइडलाइन जारी करते राज्य सरकार तेज पूर्व मास भी नवेम्बर मस गाइडलाइन में विशेष परिवर्तन होना यह गाइडलाइन डिसेंबर 31 जाए रहा पौराल में बलवत्त नाइट कर्फ्यू राति 10 सका 5 जाए नाइट कर्फ्यू बलवत्त रहीपर से राज्य में सप्ताहत सटडाउन लागू होना सका 5 राति 10 जाए सब खोला रहीपर आगक दीपावली कालीपूजा को लक्ष्य कर कटक जारी कटक मानि पर्वपर्वाणी पालन करने को गाइडलाइन में निर्देश दिया जाए बाड़ बिक्री और फुटाइबा पर स्वतंत्र नियमावली आसिबो बोली कह जाय छे। एसपी ऑफिस घेराव उद्यम बेले केन्दुछरे पुलिस आंदोलनकारी धस्ताधस्ती बैरिकेड भांगी एसपी ऑफिस को धसे पसवा बेले बीजेपी कर्मी को पुलिस लाठीचार्ज लाठीमाड़े जड़े निरीह लोकर मुंड फाटिता बेले चारिजण बीजेपी कर्मी आहत होती। बीजेपी कर्मी माने पुलिस उपरको अंडामाड़ करते बैरिकेड भांगा समय महिला कर्मी मानक पुरुष पुलिस हाथ उठाई अभियोग होती। बीजेपी जिला सभापति और महिला जिला सभापति समेत 12 बीजेपी नेता पुलिस गिरफ्त कर चारिदफा दाबी नहीं बीजेपी युवमोर्चा पक्षर केन्दुझर एसपी ऑफिस घेराव कर ममिता मेहर हत्याकांडे गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्रों इस्तफा सहित केन्दुझर सदर विधायक मोहन माझी गाड़ी उपरे बोमा माड़ कर मुख्य अभियुक्त गिरफ्तारी आदि दाबी नहीं यह आंदोलन विभिन्न जिले में आंदोलन जोरदार होथिबारु एको आखिया रखी जिला पुलिस पक्षर मजिस्ट्रेट को उपस्थिति सहित 15 प्लाटून पुलिस और 3 प्लाटून होमगार्ड नियोजित होते पल्लीरु दिल्ली पर्यंत लड़ई चलो नवीन बाबूकर मुखा खुली जीव ममता मेहर इश्यूरे ममता मेहर इश्यूरे नवीन पट्टनायक पतन हम मंत्री दिव्यशंकर मिश्रर तुरंत बहिष्कार भारतीय जनता पार्टी दाबी करुची नहला पर्यंत आंदोलन जारी रहिबो आउरी बहुत आंदोलन हम यापर किसी कारण नहीं आज्ञा पुलिस आम उपर लाठीचार्ज कला ए पुलिस आज्ञा नवीन पट्टनायक दलाल साजिश किसी कारण न थी आम निरीह जनता निरीह कर्मी अत्याचार कर ममिता मेहर आज न्याय केमी मिल आप दिव्यशंकर को कमी इस्तफा देवे आम आज राजस्त को ओल्लु किंतु ए नवीन सरकार जो पोषा गुंडा सजाई पुलिस भाई मान पुलिस भाई मैंने प्रशासन आज लोक केवल दलाल साजिक रही आहार ना भारत माता की जय। बढ़ुची पड़ोशी राज्य में संक्रमण द्वितीय लहरी ही पड़ोशी राज्य को आसला तेणु पुणी पड़ोशी राज्य में संक्रमण आरंभ हो जहाँ स्वास्थ्य विभाग सचेतन रही परिस्थिति उपरे कड़ा नजर रखा राज्य में टेस्ट सर्विलांस टीकाकरण को गुरुत्व दि जाऊँगी आगामी दिन में जेको स्थित प्रस्तुत रही विभाग दीपावली स्वतंत्र भाव में गाइडलाइन दिज्व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनाल निर्देश और हाईकोर्ट को निर्देश रही अनुसार एसआरसी बैठक कटे खूब शीघ्र गाइडलाइन आसो स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र आमर बर्तमान ओडिशार स्थित जमी कह भल अच्छी ठीक अच्छी किंतु ता माने नुहे जेहेतु आप जो ठीक कथा कहले नेबरिंग स्टेट जदि हम आमर से मेन जिनसा सर्भेलांस आक्टिविटी आम रखा
जदि किसी से भाया सिमटम आसुच्च केस आसुच्च जमी आम कम करने कथा कर ना स्पेशल ड्राइव तो आम तो सी सर्विलांस चली टेस्टिंग चली 70,000 ईर चली वैक्सीनेसन को बढ़ावापी कहुई वैक्सीनेसन टारगेट रखे 4,00,000 टारगेट रखिंट आम सेसन बढ़ेबू एटा करूँ से ही तीन टे आम मेन कम जदि किसी आउटब्रेक है किंतु आमको जेहेतु बॉर्डर एरिया आप कहले हूँ आमको निश्चय भाव में मानने कंप्लेंट नईक आमको आक्टिवली रहा पड़ो लोक मैंने भी सेमती व्यवहार रखत आम भी आम कार्यक्रम चल रख दीपावली कौ कौ मुख्यतः गाइडलाइन को लोक फॉलो कर आवश्यकता अच्छी ना दीपावली तो आम जनरल गाइडलाइन अच्छी आम निया बाण फुटेबा से जनरल किंतु कोविड रिलेटेड कौन अच्छी कौन एनजीटी देखते एसआरसी निश्चय भाव में विशद भाव में आलोचना करके गाइडलाइन देवे आसंता घर घर दस्तक टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हो सम्मुख योद्धा तथा स्वास्थ्यकर्मी आशाकर्मी नर्स एसएसजी सहयोग में लोक चिन्हट कर तालिका प्रस्तुत होस शेष सुधा द्वितीय डोज ड्यू हो सारिथिबा लोकों शत प्रतिशत टीकाकरण दि जापरि वर्तमान पर्यंत टीका नहीं नथिबा लोकों नवंबर मासरे प्रथम डोज टीका नेबाकु कहा घर घर दस्तक टीकाकरण कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य बोली परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही डिसेंबर शेष सुधा 18 वर्ष अधिक समस्ते जमी प्रथम डोज टीका नहीं सारे तापर ध्यान दि जाएगी दृष्टि रखी टीकाकरण केन्द्र को वृद्धि एथपाई विभिन्न ग्रामांचल नूतन टीकाकरण केन्द्र खोल जाधा 2,57,00,000 लोक प्रथम डोज नहीं सारे से द्वितीय डोज 1,15,00,000 नहीं कालीठ जो कार्यक्रम आरंभ हो 2 नवंबर ठारु हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान से हिसाब से ये कार्यक्रम आम हाथ को नि जाए कि आम फ्रंट लाइन वर्कर्स आशा हूँ अंगनवाड़ी वर्कर हूँ ANMs हूँ अन्य मानक PRI मेम्बर्स SHG ग्रुप्स NGOs समस्त सा प्रति घर को घर जाए से चिन्हट करेंगे जे सेकेंड डोज ड्यू हो सारे से टीका नहीं ना कौ मैंने फास्ट डोज भी नहीं ना तेणु से लिस्ट करेंगे से निकटस्थ जो टीका केन्द्र आम रही सेठी से फैसिलिटेट करेंगे जमी से टीकाकरण कार्यक्रम हम एवं मस सारा ये हाउस टू हाउस कार्यक्रम आम जारी रो जो थे कि आम लक्ष्य रस्त सेकेंड डोज ड्यू जो मैंने निश्चित भाव आम 100% टीकाकरण यही मस नवेम्बर मसरे तो बर्तमान जो टीकाकरण चली से आम अलरेडी 3,72,00,000 डोज आम दे सारे जो थी आम 2,57,00,000 हूँ फास्ट डोज अर्थात आम जी हिताधिकारी अच्छा तार 79% 79% एवं सेकेंड डोज भी आम 1,15,00,000 जन लोक दे सारे जोटा कि आम 35% बर्तमान जितिय हार जोटा अच्छी ताठू आम उपरे अच्छा किंतु आम बर्तमान उद्देश्य र जे आमर जितकी टीका आम पाखे उपलब्ध अच्छी ताको केमती आम उपयोग करिबा एवं जेते शीघ्र संभव आम समस्त टीकाकरण करिबा निज गाँव स्वार्थ पर लड़े लड़ा युव समाजसेवी को महंगा पड़े सत्य को चापी देवाई प्रशासन नुआ तरीका अपण पोखरी खोला नाँ युव समाजसेवी सपरिवार छटी नोटिस लगी चांदबाड़ी ब्लक जलेश्वरपुर पंचायत युव समाजसेवी रमाकांत बड़ प्रशासन पक्षर होता षड़र सठिक तदंत सहित पर न्याय प्रदान करने को सांबादिक सम्मेलन में दावी करते चांदबाली ब्लक शासक दल नेता और चिंगुड़ी मफिया शह शह हेक्टर जमी पर पोखरी खोला जाए राजस्व आदाय होना तेज प्रशासन नाली आखि कहा स्वार्थ एने साधारण प्रश्नवाची सृष्टि नजर पकेबा बड़ खबर उपरे तहसीलदार को नारे सांघातिक अभियोग गजपति जिला काशीनगर ब्लॉक तहसीलदार महिला एआरआई को दुर्व्यवहार करथिबा अभियोग होईछि रानीपेंठा पंचायत एआरआई ए अभियोग आनिछंती आज सकाळे तहसीलदार को एआरआई देखा करबाक आसथिबा समय रे तहसीलदार देखा करबाक समय दे नथिले तहसीलदार को गोड़ तले पड़ी एआरआई नेहुरा होथबा दृश्य सामना को आसछि महिला एआरआई जनक बारंबार कहउछंती आपन को नमस्कार करछि आपन को गोड़ तोरछि मते एपरि कहंतु नाही सर मु सेपरि महिला नै ए वीडियो टी बे भाइराल हेबार लागिछि ए संपर्क अधिक सूचना पई रहिछंती हम प्रतिनिधि जितेंद्र बारिक जितेंद्र कोन घटना
तहसीलदार एवं एआरआई को भितरे जो कथाबार्ता जो वीडियो टी बर्तन वायरल होउछि ए वायरल वीडियो रो सत्यता कोन देखंतु नीलिमा मु प्रथम कहिया पय छै ए वायरल वीडियो नुए से जो एआरआई अछन्ते से अर्गस कुनी केवल ताको दुख जणैथिले ता परवर्ती समय रे अर्गस सह जाई से तहसीलदार सो कथाबार्ता पय जाईथिया समय रे से समय रो से दृश्य गत 30 तारीख शनिवार दिन दिन 2टा अर्ध समय समय रे तांकर आरआई जी अछन्ते रानीपेंटा रो आरआई जी अछन्ते ताको तहसीलदार फोन करकी निजे फोन करकी आपन को एआरआई एमिति कोन होउछन्ते एवं तांको स्वामी को सह कोन पय से बुलुछन्ते से दलाल कौन पाई करछन्ती को एपरी विभिन्न प्रकार अभिजोग देथिले तहसीलदार निजे दुर्व्यवहार मध्ये करथिले एआरआई को किंतु ता परवर्ती समय रे आज सकाळ सकाळ आमे निजे से जो एआरआई अछन्ती तांको सह मिसी तहसीलदार को पाकु जाइथिलु एवं तहसीलदार सहित आलोचना करै पें चेष्टा करथिलु किंतु तहसीलदार गोटे महिला मध्ये न देखि तांको ऑफिस रु बाहर हेबा पें मध्ये बारंबार के कहउथिले ता परवर्ती समय रे मध्ये आमे गणमाध्यम रे प्रतिनिधि हिसाब रे तांको सहित आलोचना करै पें गोटे कथा आगे क्लीअर करूँ तहसीलदार तो ना कौन एआरआई ना कौन कौन घटना घटी जो गोड़ धरिकी से कहते कि मत एपरी कहतु ना सार कौन से कही कौन न कहवापी से कहते कि क्लीअरली डिटेल्स कहतु से एआरआई जी अच्छा सरस्वती पाइक से जे पूर्वर मध्य से रानीपेंटा तहसीलदार एआरआई भाव काम करती तहसीलदार जी अच्छा दासबाबू जी अच्छा से पूर्वर मध्य एपरी भाव में अनेक पंचायत में एआरआई मान को एपरी दुर्व्यवहार करते सामना को आसुन कौन नौले कौन दुर्व्यवहार कि प्रकार दुर्व्यवहार कर तहसीलदार प्रत्येक थर एआरआई मान चाप दिं को विभिन्न प्रकार अश्लील भाषा भाषा प्रयोग कर गाड़ी मत करती विभिन्न प्रकार दुर्व्यवहार करते अभियोग कर रानीपेंट एआरआई को तहसीलदार को जड़क कौन कहते रानीपेंटा एआरआई को प्रथम से फोन करते 30 तारीख दिन फोन करते जे आरआई अच्छा आरआई को फोन करी कही आपण एआरआई एमती कौन पर होती स्वामी स्वामी मिसी से दलालगिरी कौन पर करपरी विभिन्न कहवापर ता दुर्व्यवहार करते समय तो तापरे वर्तमान जिते अभियुक्ति आसी वर्तमान कार्यानुषान कौन किसी पुलिस खबर दिगला कि एआरआई जनक पुलिस अभियोग कले कि तहसीलदार विरोध में मु ताजा सूचना देवा चाहिए एआरआई जनक लिखित भाव में गोटे अभियोग कर जिलापाल साक्षात कर अभियोग पत्र जिलापा तुरंत कार्यानुषान ग्रहण कर प्रतिश्रुति जो दलालगिर कथा जो तहसीलदार जनक जो आरआई को फोन करी कही थी कि एआरआई एवं स्वामी मिसी दलाल करी काम कि दलालगिरी से करी प्रकार अभियोग मानते तहसीलदार कर देखु नीलिमा प्रथम कहना चाहिए एआरआई जनक फिल्ड वर्कर से जगह चिन्हट कै जगह चिन्हट कला ठीक ठाक अच्छी ना नहीं तर कागज पत्र प्रस्तुत करके आरआई को दिखे प्रत्येक थर बड़ी एआरआई जन महिला आई जो स्वामी सह से प्रत्येक दिन जाती स्पोर्ट को जा भेरीफाइ करके आसते कितु प्रत्येक थर तक स्वामी सह कौन एआरआई जाऊँगी कही तहसीलदार आरआई को कही तो यही घटना सामना को आसला जिलापा द्वारस्थ जिलापा भी निर्देश देते तो पुलिस किसी तदंत आरंभ कला कि घटना संपर्क में बर्तमान पर्यंत कौन तदंत आरंभ होनी कितु जिलापाल एआरआई को प्रतिश्रुति निश्चय कार्यानुषान ग्रहण करुरंत दृष्टि जिलापाल तुरंत दृष्टि आकर्षण धन्यवाद जितेन्द्र रखा प्रतिनिधि जितेन्द्र बारिक तेज एवं एक खबर आसी पहुंची कि रानीपेंठ एआरआई को तहसीलदार दुर्व्यवहार अभियोग एने एआरआई जनक जिलापाल द्वारस्थ होती पुलिस घटनार तदंत आरंभ कर सूचना मिली समय छी बुलेटिन को रखा नमस्कार।